आज विश्व की आबादी का बड़ा हिस्सा किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन क्रिया के दौरान हमारे भोजन से निकलने वाले सभी सूक्ष्म विषैले तत्व किडनी में ही जमा होते हैं और यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और खून को साफ रखने में मदद करती है। किडनी का एक और कार्य होता है विटामिन डी का निर्माण करना, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खानपान की आदतें बिगड़ती जा रही है, इसी वजह से किडनी की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम दोस्तों ऐसी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी कि हम किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर वन दोस्तों, खूब पानी पिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो ज्यादा पानी पीना एक बेहतर उपचार होता है। इसके लिए हर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी शरीर में मौजूद कई तरह के विषैले तत्वों को यूरिन के साथ आसानी से बाहर निकाल देता है और पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली को भी दुरुस्त रखता है। इससे कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा पानी शरीर में रक्त प्रवाह को सही रखते हुए खून को गाढ़ा बनने से भी रोकता है। ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर का स्तर भी दोस्तों संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, रोजाना भोजन में आप चीनी और नमक की मात्रा अधिक इस्तेमाल न करें। ये दोनों चीजें किडनी की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। इन दोनों चीजों की अधिकता से उसके काम करने की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए मिठाइयों, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, वेफर्स, प्रोसेस्ड फूड, अचार, पापड़, चटनी जैसी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि इनमें नमक और चीनी की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा नॉन वेज मशरूम दालों का सेवन भी आप संतुलित मात्रा में करें, क्योंकि इनमें भी भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। ये शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर आप इनकी मात्रा में अधिकता करते हैं तो इससे यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन इसकी अधिकता की वजह से भी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए खानपान में संतुलन बेहद जरूरी है। कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चीजों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें, पर इनकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जहां तक आपको संभव हो अल्कोहल सिगरेट से आप दूर रहें, क्योंकि ये चीजें लीवर और किडनी दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर खानपान की स्वस्थ आदतें आप अपनाते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी किडनी से संबंधित बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की किडनी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, ये कई बातों पर दोस्तों निर्भर करता है। किडनी की सेहत के बारे में जानने के लिए हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। अगर आप किसी दवा का सेवन नहीं करते हैं तो सामान्यतः आपका जो पेशाब होता है यानी कि यूरिन, वो रंगहीन होना चाहिए, यानी कि पानी की तरह होना चाहिए। प्रतिदिन लगभग आपको 4 लीटर पानी पीना है और स्वस्थ लोगों को हर 3 घंटे के अंतराल में यूरिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा यूरिन आना, बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होना, यूरिनेशन के दौरान दर्द और जलन, पैरों में सूजन जैसे अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए आप दोस्तों डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि दोस्तों ये किडनी संबंधी गड़बड़ी के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों डायबिटीज या हाई बीपी की समस्या हो तो उसे चीनी नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। साल में एक बार आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।